माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो किया है, सबसे ज्यादा अगर किसी को दर्द है, सबसे ज्यादा किसी के पेट में दर्द है, तो भारतीय जनता पार्टी और क्षेत्र का विधायक भानु प्रताप शाही को है। इस बात को कहना चाहता हूं। इस मंच पर उपस्थित मुख्य अतिथि माननीय बेबी देवी जी, हम सबों के नेता, गढ़वा के विधायक सह मंत्री माननीय मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी, माननीय मंत्री दीपिका पांडे जी और इस राज्य के झारखंड के शेरनी कहे जाने वाले कल्पना सोरेन जी, मैं आप तमाम लोगों को, मुख्य अतिथियों को, जिला प्रशासन को और यहाँ हमारी जो बेटी बहन भाई बंधु जो बैठे हुए हैं, आप तमाम लोगों को जोहार करता हूँ। और मैं यह सम्मान योजना में जितने भी लाभित हुए हैं उनको मैं बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देता हूँ। और माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने जो मैया सम्मान योजना चलाकर हमारी बेटी बहनों को आर्थिक रूप से मजबूत करने का काम किया है, जिन बेटियों को पढ़ने की दिक्कत हो रहा था उनको पैसा दे करके सावित्री बाई फूले के जरिए उनको पढ़ने का रास्ता साफ किया है, इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं। और सयाजपुर की जनता को, इसी तरह झारखंड की सरकार को कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए बधाई देते हैं और आपको शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद, बधाई, शुक्रिया, जोहार। मैया सम्मान यात्रा के बाबा बंसीधर के इस नगरी में मैं माननीय मंत्री बेबी देवी जी का, माननीय मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी का और माननीय मंत्री दीपिका पांडे जी का और झारखंड की शेरनी जो बाबा बंसीधर के नगरी में पहली बार आई हुई हैं, मैं तमाम भानातपुर विधानसभा के माता बहनों से, नौजवान साथियों से आग्रह करना चाहता हूं कि हमारी शेरनी कल्पना सोरेन जी का ताली बजा करके बाबा बंसीधर के नगरी पे स्वागत करें, स्वागत करें। आज माननीय मुख्यमंत्री जी का मैया सम्मान योजना जो प्रत्येक परिवार, प्रत्येक गरीब परिवार को एक एक हजार रुपया देने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो किया है, सबसे ज्यादा अगर किसी को दर्द है, सबसे ज्यादा किसी के पेट में दर्द है, तो भारतीय जनता पार्टी और क्षेत्र का विधायक भानु प्रताप शाही को है। इस बात को कहना चाहता हूं। और एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं कि जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे झारखंड के लोगों को जो बिजली बिल माफ किया है, 3,565 करोड़ रुपया जो संपूर्ण झारखंड के लोगों को, गरीब परिवार को जो पुराना बिजली बिल से दंश झेल रहे थे, आज पूरा का पूरा बिजली बिल माफ हुआ है। आदरणीय सम्मानित भाइयों, मैं एक बात जरूर आपको कहना चाहता हूं और माननीय हमारी कल्पना सोरेन जी को कहना चाहता हूं कि ये बाबा बंसीधर का नगर है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड का ये सीमा है, यहां से बाबा का आशीर्वाद निश्चित रूप से झारखंड के मुख्यमंत्री को मिल रहा है, आपको मिल रहा है। और 2024 में कोई माई का लाल रोकने वाला नहीं है, 2024 में झारखंड में माननीय मुख्यमंत्री जी का सरकार बनेगा, मैं इस बात को कहना चाहता हूं। और तमाम लोग जो भानापुर विधानसभा के कोने कोने से आए हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा और तमाम इंडिया गठबंधन के लोगों को हृदय से आपको हार्दिक बधाई, हार्दिक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जोहार।